आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब परिवार रहा करता था, जिनका कच्चा मकान था। वहीं उसी गांव में एक अमीर जमींदार भी रहा करता था, जो हमेशा ही गरीबों का मजाक बनाया करता था और अपने पैसे का घमंड दिखाया करता था। मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ अपने छोटे से घर की मरम्मत कर रहा होता है। पिछले ही साल इसी बारिश के दिन में हम बेघर हो गए थे, इसलिए हमें इस बार पहले से तैयार रहना होगा। हाँ, नहीं तो सही कहा आपने, मैं कैसे भूल सकती हूँ उस तूफानी रात को। तभी वहाँ पर जमींदार रतनलाल अपनी पत्नी के साथ आ जाता है। दोनों राधा और मोहन की छोटी सी कुटिया को देखकर हंसने लगते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम प्लास्टिक बोतल का ही घर बना लो, वैसे भी इस कुटिया की मरम्मत करने से कुछ नहीं होने वाला है। अजी छोड़ो, क्या तुम भी प्लास्टिक चुनने वालों के मुंह लग रहे हो। रतनलाल और सुनैना मोहन और राधा का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। ये करम जड़ी सुनैना अपने आप को समझती क्या है, खाली मुंह में लाली लिपस्टिक पोत कर 2 इंच की हील पहनकर इधर उधर मटकती रहती है। अब शांत हो जाओ मेरी राधा रानी, और उन्हें छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। मोहन प्लास्टिक बोतल चुनने गांव में निकल जाता है। राधा और उसकी बेटी पिंकी घर की मरम्मत करने लगती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। अभी उनके घर की मिट्टी पूरी तरह से सूखी भी नहीं होती कि तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। माँ पिताजी कहाँ हैं? अभी इतनी तेज बारिश शुरू हो चुकी है। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। राधा और पिंकी बात कर ही रहे थे कि अचानक से उनके घर की छत का आधा भाग हवा के साथ उड़ जाता है और बारिश का पानी घर में घुसने लग जाता है। राधा और पिंकी दोनों रतनलाल के छज्जे के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं, जिसे देखकर जमींदार की पत्नी सुनैना कहती है, अरे ओ करमजली, अपना घर छोड़कर मेरे घर के सामने क्यों आकर खड़ी है? हमारा घर आंधी के साथ उड़ गया है, कृपया करके हमें कुछ देर और ठहर जाने। चल भाग यहाँ से। उस दिन क्या बोल रही थी, मैं लाली लिपस्टिक लगाकर मटकती रहती हूँ। तो जाकर अपनी लाली लिपस्टिक लगा, हम अपनी परेशानी से खुद निपट लेंगे, तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। राधा और पिंकी सारी रात बारिश में भीगते रह जाते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश कम हो जाती है, लेकिन उनका घर बारिश के साथ बह गया होता है। इधर मोहन भी वापस आ जाता है और अपने घर को न देखकर बहुत उदास हो जाता है। जरूर उस रतनलाल की नजर लग गई होगी हमारे हस्ती खेलती दुनिया को। तुम सही कह रहे हो। माँ, क्या हमें फिर से घर बनाना होगा? हाँ बेटा, लेकिन अभी सारी मिट्टी गीली हो गई है, उससे घर नहीं बन पाएगा। इधर पिंकी की नजर प्लास्टिक की बोतल के ढेर पर पड़ती है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, माँ हम इस प्लास्टिक की बोतल से अपना नया घर बनाएंगे। लेकिन कैसे? माँ मैं पहले सारी बोतल को जमा करती हूँ, पिताजी आप बस बाजार से जाकर एक सुई और धागा ले आइए। पिंकी की बात सुनकर माँ और पिताजी ठीक वैसा ही करते हैं जैसा पिंकी उन्हें करने को कहती है, और मोहन सुई धागा लेकर आता है। इधर पिंकी ढेर सारे प्लास्टिक के बोतल जमा कर देती है, जिसे राधा सिलकर एक बड़ा छज्जा तैयार कर देती है। अरे वाह बेटा, पिंकी तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। ठीक कहा जी आपने, हमारी बेटी बहुत समझदार है। और देखते ही देखते उनका प्लास्टिक की बोतल का घर तैयार हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मोहनलाल और राधा पिंकी के साथ प्लास्टिक बोतल घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन रतनलाल और उसकी पत्नी सुनैना प्लास्टिक बोतल घर के पास आते हैं।
ये प्लास्टिक बोतल घर किसका है? हमारे गांव के लोग इतने गरीब हैं कि हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाते। सही कहा तुमने, हमारे आलीशान महल की तुलना इस प्लास्टिक बोतल घर से कर रही हो। तभी उस घर से राधा और उसकी बेटी पिंकी बाहर निकलती हैं। राधा को देखकर सुनैना मुंह बनाने लगती है। तो ये तुम्हारा घर है, कभी आकर हमारे घर को देखना। हमारा घर किसी महल से कम नहीं है, सारी सुविधाएं एक बटन दबाने पर उपलब्ध हैं। तो फिर अपने ही घर में जाओ, हमारे घर के आसपास क्यों भटक रही हो? रस्सी जल गई लेकिन अभी तक बल नहीं गया, अभी भी तेरी जुबान कैंची की तरह तेज चलती है। जरूरत पड़ने पर ये कैंची दूसरों का घमंड भी काट सकती है। चल हट, मैं भी जो तेरे से बात कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जमींदार का भाई धोखे से उसकी सारी संपत्ति हड़प लेता है। जमींदार का घर नीलाम हो जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। हाय दैया, का होई गवा, अब का रोड पर रहे पड़ी। अब हम क्या करें? चलो आगे चलकर देखते हैं कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए। सुनैना और रतनलाल आगे बढ़ते जाते हैं, जहां उनकी नजर प्लास्टिक के बोतल के घर पर पड़ती है, जिसे देखकर सुनैना कहती है, पूरे गांव में कोई भी हमें सहारा नहीं दे रहा है। मोहन हमारी मदद जरूर करेगा, उसका घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। हाँ कुछ भी करके चलो यहाँ से, इस कड़ी धूप में खड़े खड़े मेरा रंग टैन हो जाएगा। हमारा पूरा घर उजड़ गया और तुम्हें तुम्हारे रंग की पड़ी है। रतनलाल और सुनैना मोहन और राधा की प्लास्टिक बोतल घर के पास जाकर उनसे मदद मांगने लगते हैं। रतन और सुनैना उनके घर पर आ जाते हैं, जिसे देखकर राधा और पिंकी हैरानी से बोलते हैं, आई हो दादा, अपना महल छोड़कर हमारी इस कुटिया में कैसे आना हुआ? अब का बताइए, सब लूट होए गवा, कुछ ना ही बचा हमरे पास, ना घर ना संपत्ति। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुनैना और रतनलाल राधा और मोहन के साथ उनके प्लास्टिक बोतल घर में रहने लगते हैं। अब तो हमारे पास पैसा बचा नहीं, सब हमारे भाई ने हड़प लिया। वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता, अब तुम ही मदद करो हमारी, एक हमें भी ऐसा ही प्लास्टिक बोतल का घर बना कर दे दो, कम से कम उस घर में हम रह तो सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, हम बिल्कुल ऐसा ही प्लास्टिक बोतल का घर बना देंगे। रतनलाल भी मोहन के साथ मिलकर वैसा ही प्लास्टिक बोतल का घर बना लेता है। दोनों आसपास रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।